सो ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेथड्स इन बायोलॉजी में, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। माइक्रोस्कोप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये ऐसी चीज़ है जो आप स्कूल लाइफ में भी देख चुके हो। आप स्कूल लाइफ से माइक्रोस्कोप्स देख रहे हो, आपने उनके अंदर स्लाइड्स ऑब्जर्व करी हैं, आपने स्लाइड्स बनाई भी होंगी स्कूल में भी, आपने स्टेनिंग वगैरह करी होगी, आपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, बैक्टीरियाज देखे होंगे, ब्लड सेल्स देखे होंगे आप लोगों के। तो माइक्रोस्कोप एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी लाइफ साइंस लैब में 100% अवेलेबल होता है। आप चाहो तो इसको घर पे भी ले सकते हो, जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, 3 से 4 हज़ार के बीच में माइक्रोस्कोप मिल जाएगा आप, लाइट माइक्रोस्कोप। उसको घर पे 4 हज़ार के अंदर तो आपको स्लाइड्स मिल जाती हैं, 50 स्लाइड्स मिल जाती हैं, आप घर पे कुछ जो भी आपका कर सकते हो वो कर सकते हैं आप उसमें। एंड बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है और ख़ासकर स्टूडेंट्स इन्जॉय करते हैं इस पर काम करना, आप लोग भी करते हैं शायद, यस, क्योंकि एक रिसर्चर जो होता है लाइफ साइंस का, उसकी सबसे पहला फैसिनेशन, उसका फैसिनेट जो चीज़ करती है उसको माइक्रोस्कोप ही करती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हो जो आप आँखों से नहीं देख सकते। और सबको नसीब भी नहीं होता माइक्रोस्कोप, आप दुनिया में पूछोगे 90% लोगों ने देखा ही नहीं माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो ऐसे भी लोग हैं, आप बहुत आगे निकल चुके हैं उन लोगों से, आपके पास में एक्सेस है, रिसोर्सेज हैं, आपको उस फील्ड में मौका मिल रहा है जाने का, स्पॉटिंग करने में मज़ा आता है। ओके, तो आज अपन देखेंगे माइक्रोस्कोप कैसे होते हैं, क्या होता है उनके अंदर, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछते हैं वो, एंड कौन कौन से तरीके के होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप देखते हो, आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज अपन नया पढ़ेंगे, जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्यों यूज़ करते हैं उसको, और फ्यूचर में जब आप पीएचडी करने जाओगे तो आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे काम करने का। तो आपको अगर उसके बारे में पता है तो वहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को हैंडल करने के लिए कभी नहीं देंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, एक्सपेंसिव होती है, उसको एक ट्रेंड प्रोफेशनल आदमी ही चलाता है। तो जहाँ पे भी वो होता है वहाँ पे एक बंदा होता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक्सपर्टीज होता है उसका, वही उसको मैनेज करता है। आप तो बस उसको सैंपल दे देते हो, वो उसको काम में लेता है, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि उसके अंदर क्या होगा, कैसे सैंपल उसके अंदर डलेगा, अंदर क्या रिएक्शन होगी और क्या रिज़ल्ट मिलेगा और उससे क्या कंक्लूज़न निकालना है अपन को। तो ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो अपन चलते हैं माइक्रोस्कोप टेक्निक्स पे। सबसे पहले इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। माइक्रोस्कोपी इज़ द टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट्स एंड एरियाज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो ये सब आपको पता है कि ऐसी चीज़ें जो आँखों से नहीं देख सकते, ऐसी चीज़ें जो उसके आसपास हैं, मतलब आपको भले ही बैक्टीरिया देखना है बट बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो आँखों से आप नहीं देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें अपन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं। देर आर टू फंडामेंटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यू ऑलरेडी नो, वन इज़ लाइट माइक्रोस्कोप एंड वन इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिफरेंस क्या है कि एक लाइट यूज़ करता है, नेचुरल लाइट यूज़ करता है, या फिर आप उसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट भी डाल सकते हो। आजकल LED बल्ब्स वगैरह नीचे लगा देते हैं, उससे लाइट मिलती है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम पास करी जाती है, वो बीम या तो स्ट्राइक करती है उसके ऊपर एंड रिफ्लेक्ट बैक होती है, या फिर वो उसके अंदर से पास हो जाती है। तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक स्कैन करता है जिसको अपन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, एक उसके अंदर से थ्रू चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप यूजेज अ सीरीज ऑफ ग्लास लेंसेज टू फोकस लाइट इन ऑर्डर टू फॉर्म एन इमेज, वेयर एज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज टू फोकस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बात वही है, लाइट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही चीज़ें हैं। लाइट और इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस ये है कि लाइट आपको नेचुरली अवेलेबल हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले प्रोड्यूस करने पड़ते हैं एंड देन आपको उसको स्ट्राइक करना पड़ता है। लाइट माइक्रोस्कोप आर एबल टू मैग्नीफाई टू अ मैक्सिमम ऑफ 1500 टाइम्स। मैग्नीफिकेशन निकालना आपको आता होगा। एक बेसिक जो आपका आउटलाइन है माइक्रोस्कोप का वो ये है कि इधर से आप देखते हो, ये आपकी आँखें हैं, इधर से आप देख रहे हो। सबसे पहले आईपीस होता है जहाँ पे आप अपनी आँखों को ऐसे घुसा देते हो अंदर, उसके नीचे होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सेंसिटिव भी होता है, ये बहुत महंगा भी होता है। अगर आप इसको तोड़ देते हो, कंडेंसर को नहीं तोड़ते हो, या फिर कंडेंसर को भी तोड़ देते हो आप
तो फिर इतना खर्चा नहीं आता है जितना ऑब्जेक्टिव लेंस के रिप्लेसमेंट में आता है। बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, और बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं आप, मैच्योरिटी के साथ में इसको हैंडल करना चाहिए। एंड देन आपकी होती है कवर स्लिप, क्योंकि आप एक स्लाइड लेते हैं, उसके ऊपर सैंपल रखते हैं और उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगा देते हैं, तो इसलिए कवर स्लिप पहले आएगी, देन सैंपल आएगा, देन आपका स्लाइड आएगा। और फिर उसके नीचे होता है कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस जो है वो लाइट जो नीचे से आ रही है उसको फोकस करता है, और फोकस करने के बाद में सैंपल पे डालता है, सैंपल से वो लाइट डाइवर्ट होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस उसको अगेन फोकस में लाता है, और आईपीस जो है आपका उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है। ये चीज़ होती है बेसिक आइडिया। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अ सीरीज ऑफ ग्लास लेंसेज आर यूज टू फोकस द इमेज इन ऑर्डर टू फॉर्म एन इमेज। जबकि लाइट में क्या होता है, आई मीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसमें आर पार हो जाएगा वो। तो आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की गन है, इलेक्ट्रॉन गन कैन बी एनीथिंग, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। फिर कुछ कंडेंसर लेंसेज आएंगे बीच में, उनसे अगेन फोकस हो गई बीम, इलेक्ट्रॉन की बीम। स्पेसिमेन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं होगी अगर स्पेसिमेन में तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर देखेंगे आगे। एंड देन अगेन आपके प्रोजेक्टर लेंसेज होते हैं। आई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस होने की बजाय में प्रोजेक्टर लेंस होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोजेक्टर लेंस होते हैं। तो प्रोजेक्टर लेंस देखा होगा आपने, प्रोजेक्टर उसके आगे एक लेंस होता है, वो काफ़ी ऐसे मोटा सा दिखता है, उसके अंदर छोटी सी इमेज बनती है, बट वो जब स्क्रीन पर जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर, इमेज को मैग्नीफाई करके स्क्रीन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अपन प्रोजेक्टर लेंसेज का यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप्स जो हैं वो 1500 टाइम्स मैग्नीफाई करते हैं। तो मैं कह रहा था मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कितने एक्स का मेरा आई ये है ऑब्जेक्टिव लेंस है, और कितने एक्स का कंडेंसर लेंस है। मान लो ऑब्जेक्टिव लेंस मेरा है 10x का, और मेरा कंडेंसर लेंस है 40x का, तो मेरा मैग्नीफिकेशन कितना होगा। यस गाइस, कभी किया है ऐसा कैलकुलेशन, हाउ मच विल बी द मैग्नीफिकेशन? योर मैग्नीफिकेशन विल बी 40 × 10, दैट इज़ 400 टाइम्स। तो आपको जो भी सैंपल डाल रहे हो उसको 400 गुना ज़्यादा बड़ा करके दिखाएगा वो माइक्रोस्कोप, ऐसे मैग्नीफिकेशन निकलता है। तो एक लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो 1500 टाइम्स आपको दे सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी मैग्नीफाइंग पावर होती है 2 लाख टाइम्स, 2 लाख टाइम्स वो उसको मैग्नीफाई कर सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसीलिए इसका काफ़ी यूज़ होता है आज के टाइम पे मॉडर्न रिसर्च में। इमेजेस मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम स्पेसिमेन ऑफ वास्टली डिफरेंट साइजेस एंड मैग्नीफिकेशन। तो आपका स्पेसिमेन छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, आपको हर चीज़ के लिए माइक्रोस्कोप बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो आपको पूरा ऑर्गेनिज्म को ही उसमें डालना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, मीटर्स में हो सकता है। टिश्यूज एम्ब्रियो से लोगे तो माइक्रोमीटर में भी हो सकता है, सेल्स में जाओगे, प्रोटीन्स डीएनए में जाओगे तो नैनोमीटर में भी हो सकता है। इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके मैग्नीफिकेशन है वो आप कौन से माइक्रोस्कोप में कर रहे हो, और आपका स्पेसिमेन क्या है। स्पेसिमेन भी अलग अलग तरह से वेरी करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि रिजोल्यूशन जो होता है, अच्छा पहले यहाँ आते हैं टर्म पे, ये एक जनरल लाइट माइक्रोस्कोप है। इसमें आप क्या देख रहे हो, देयर इज एन इल्यूमिनेटर, इल्यूमिनेटर मतलब जहाँ से लाइट आएगी। तो यहाँ पे इल्यूमिनेटर ये है, दिस इज द लाइट सोर्स लोकेटेड बिलो द स्पेसिमेन। फिर आता है कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंस, ओके दिस इज योर लाइट सोर्स एंड दिस इज योर कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस जो है जो लाइटें आ रही हैं उनको एक जगह पे फोकस करके यहाँ डालेगा, तो जो भी लाइट पास हो रही है वो सारी स्पेसिमेन पे आएगी। स्टेज होता है, ये आपका स्टेज है जहाँ पे आप स्लाइड को प्लेस करते हो। देन ऑब्जेक्टिव द लेंस दैट इज़ डायरेक्टली अबव द स्टेज। तो ये जो आपके हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, और ये आपका आईपीस है। आईपीस का ध्यान रखना 10x का ही होता है, आईपीस 10x का होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस वेरी करते हैं, कंडेंसर लेंस वेरी करते हैं। फिर आता है नोज पीस, इट इज़ द पोर्शन ऑफ द बॉडी, ये आपका नोज पीस हो गया। आयरिस डायफ्राम, इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इन टू द कंडेंसर। तो यहाँ पे एक डायफ्राम जैसी चीज़ होती है, डायफ्राम आपको पता ही है, आपके लंग्स के नीचे होता है डायफ्राम, आप जब सांस लेते हो छोड़ते हो तो एक डायफ्राम जो होता है ऊपर नीचे होता है, वॉल्यूम कंट्रोल करता है वो, एरिया को कंट्रोल करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे डायफ्राम होता है, आयरिस का डायफ्राम। आयरिस आपकी आँखों में, आपने देखा होगा आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर टॉर्च आपकी आँखों में डालता है। टॉर्च क्यों डालता है वो आपके प्यूपिल को डायलेट हो, आई मीन जो आयरिस है आपकी प्यूपिल है उसको डायलेट होते हुए देखना चाहता है,
वैसे देखना चाहता है कि क्या आपकी बॉडी स्टिमुलस ले रही है, क्या आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है किसी स्टिमुलस के लिए, तो वो चीज़ चेक होती है। क्योंकि कई बार जब आप बीमार होते हो तब आपकी आँखें धीरे धीरे छोटी होती हैं, जब आप नॉर्मल होते हो तो बहुत जल्दी से वो छोटी हो जाती है। तो इससे पता लगता है कि भाई इसके कुछ बीमारी है या नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बेस आपको पता ही है, ये बेस होता है तीन टांगों वाला बेस, एंड एक होता है कोर्स फोकसिंग एंड एक होता है फाइन फोकसिंग। तो ये आपका फाइन आई मीन कोर्स फोकसिंग है और ये आपका फाइन फोकसिंग है। कोर्स फोकसिंग जो है वो बड़े एडजस्टमेंट के लिए, पूरा आपका स्टेज जो है चल इधर उधर मूव करता है, ऊपर नीचे इधर उधर। एंड फाइन फोकसिंग में आप छोटे एडजस्टमेंट करते हो, स्टेज आपका फिक्स रहता है, लेंसेज के अंदर हल्का हल्का चेंज होता है। बॉडी आपको पता ही है ऑकुलर आईपीस जिसका मैग्निफिकेशन 10x होता है नॉर्मल विजन के लिए। देखने से कैसे? अच्छा, आँखों का वो तो आपको डॉक्टर को पूछना पड़ेगा। देखो, बाकी लाइट जब आपकी आँखों में पड़ती है तो आपकी आँखें, आँखों के अंदर जो प्यूपिल होता है वो डायलेट होता है, छोटा होता है, क्योंकि लाइट ज़्यादा आती है तो वो छोटा होता है जिससे कि कम लाइट जाए अंदर, वरना आपका डैमेज हो जाएगा रेटिना। तो उससे क्या होता है कि एक स्टिमुलस दिया आपने लाइट और आपके बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स दिया, तो उसको चेक करते हैं कितना तेज रिस्पॉन्स है, यही देखने के लिए वो चेक करते हैं। ओके, अब अपन आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर माइक्रोस्कोप्स की। दो प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मैग्नीफिकेशन एंड योर रिजॉल्विंग पावर। तो मैग्नीफिकेशन तो समझ में आ रहा है कि भाई उस स्पेसिमेन को या जो भी अपन ने वहाँ पे रखा है अपना डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, उसको वो कितना बड़ा करके दिखा रहा है। इट इज़ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन अंडर माइक्रोस्कोप टू द एक्चुअल साइज ऑब्जर्व अंडर अनएडेड आई, बिना माइक्रोस्कोप के और माइक्रोस्कोप के साथ में जो रेशियो में चेंज आएगा उसको अपन मैग्नीफिकेशन कहेंगे। द टोटल मैग्नीफिकेशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द मैग्नेटिक आई मीन मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस। ओके, अच्छा कंडेंसर का नहीं था, सॉरी, यहाँ पे मैंने ये आईपीस का होता है। आईपीस हमेशा 10x पे रहता है और ये अपना चेंज होता है, 10x होता है, 40x होता है, 50x होता है, 100x होता है, देखा होगा आप लोगों ने। और आजकल तो 150x भी आता है, इसीलिए मैक्सिमम कितनी आती है, 150 इंटू 10 1500, ये मैग्नीफिकेशन आता है। ओके, कंडेंसर लेंस का कोई मैग्नीफिकेशन नहीं होता है। ओके, क्योंकि कंडेंसर लेंस सिर्फ लाइट को एक जगह फोकस करता है, मैग्नीफाई करने का काम होता है आपका ऑब्जेक्टिव का एंड आईपीस का। नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन तो ठीक है, आपने एक छोटा सा ये था इसको आपने बड़ा कर दिया तो आपको इतना बड़ा दिखने लग गया हो, ये मैग्नीफिकेशन हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दो डॉट है, अब जब आप इसको जूम करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ, देर इज़ अ गैप बिटवीन दीज टू डॉट्स। तो ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं, मतलब माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी होती है कि वो इन दो डॉट्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो, नेकेड आई से नहीं कर सकते आप, आपको लगेगा एक डॉट है बट होंगे वहाँ पे दो। इट इज़ द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू क्लोज पॉइंट्स एट सेपरेट। तो ये होता है आपका रिजॉल्विंग पावर, मतलब उसने कितना रिजॉल्व किया है उस चीज़ को, कितना आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया है कि आपको डिफरेंस पता लग रहा है वहाँ पे। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है उसको अपन रिजोल्यूशन भी कहते हैं, और रिजोल्यूशन जो होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्योंकि लिमिट तो कम होती है आपकी, रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होती है, तो लिमिट एंड रिजॉल्विंग पावर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। द रिजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 0.5 माइक्रोमीटर, मतलब कि 5×10⁻¹⁵ मीटर, ये रिजोल्यूशन होता है आपके लाइट माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है 1 नैनोमीटर, 1×10⁻¹⁹ मीटर, एंड दैट ऑफ ह्यूमन आई इज 100 माइक्रोमीटर, 100×10⁻¹⁶ माइक्रोमीटर, या फिर इतना मीटर, या फिर 10⁻¹⁴ मीटर। तो 10⁻³ कितना होता है, मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है, और 1 मिलीमीटर से छोटा काउंट होता है उसको अपन देख सकते हैं आँखों से, उसके बाद में फिर आपको माइक्रोस्कोप चाहिए। ओके, तो माइक्रोमीटर जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर रिजोल्यूशन होता है लाइट माइक्रोस्कोप का। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1 नैनोमीटर होता है, बहुत छोटा होता है 1 नैनोमीटर। और अब तो क्या है, एडवांस हो गया सिस्टम,
तो आप अलग अलग चीज़ें यूज़ करके रेजोल्यूशन पावर भी बढ़ा सकते हो। जैसे आप ऑयल वगैरह डालते हैं, स्पेसिमेन के ऊपर ऑयल डालते हैं, जिससे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज नहीं आए, तो उससे और मैग्निफिकेशन बढ़ जाता है, फिर वो लाइट माइक्रोस्कोप हो या कोई भी हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं जो एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें काम आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के। ठीक है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा बाय एन ए। एन ए क्या होता है आपका? इट इज़ दी न्यूमेरिकल एपरेचर। अपरेचर मतलब कि जैसे आप ने मशीन्स वगैरह में देखा होगा, मशीन में जब मशीन की आंख बंद होती है तो कुछ शटर आ जाता है इस तरीके से, और वो शटर बंद हो जाता है। जब वो खुलता है तो वो शटर यहाँ चला जाता है, वो आँख आपको दिखती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो ये होता है आपका अपर्चर। अपर्चर छोटा होगा तो आपको छोटी आँख दिखेगी, अपर्चर बड़ा होगा तो आपको बड़ी आँख दिखेगी। वही चीज़ माइक्रोस्कोप में होती है। माइक्रोस्कोप के जो लेंस होते हैं उनके अंदर अपर्चर होता है कि आपको उसको कितना खोलना है जिससे कि आपको क्या चीज़ दिखेगी। तो आप अपर्चर को अगर बढ़ा दोगे तो आपको ज़्यादा ब्रॉड एरिया दिखेगा। यस, कैमरे में भी होता है। यस, अगर आप अपर्चर को बढ़ा दोगे तो आपको ज़्यादा एरिया दिखेगा, कम कर दोगे तो कम एरिया दिखेगा। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है अपर्चर के, मतलब अपर्चर जितना कम होगा लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी। और अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो रिजॉल्विंग पावर मेरा क्या होगा? कम होगा। दैट मीन्स कि अगर मेरे को रिजोल्यूशन बहुत अच्छा लेना है तो मेरे को अपर्चर का क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल अपर्चर का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। ओके, और कोई? यस, तो रिजोल्यूशन के लिए, क्योंकि अगर यहां पे अपन उल्टा बोल रहे हो, अरे रिजोल्यूशन को आई मीन न्यूमेरिकल अपर्चर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा मेरा। तो रिजोल्यूशन और एन ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आया कुछ? और ये हवा में तीर कैसे चल रहे हैं आज? रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो आपको न्यूमेरिकल अपर्चर भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं खासकर डीबीटी में, सीएसआईआर में भी पूछते हैं। ओके, अब यहाँ पे बोल रहा है 0.61 ऑफ लैम्डा। लैम्डा आपको बताइए, लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ होती है, लाइट की वेवलेंथ होती है। तो मेरे को बताओ, अगर अल्ट्रा वायलेट लाइट में स्ट्राइक कर रहा हूँ तो मेरा रिजोल्यूशन अच्छा होगा या गंदा होगा? रिजोल्यूशन अच्छा होगा या गंदा होगा अगर मैं अल्ट्रा वायलेट रेज को यूज़ कर रहा हूँ वहाँ पे, तो एज अ सोर्स ऑफ लाइट? अच्छा आएगा। ओके, यस दैट इज राइट, क्योंकि यू आपको विभिकिरण तो पता ही है। इधर क्या होती है? 400 नैनोमीटर की लेंथ होती है, इधर कितनी होती है? 750 की होती है। तो कम वेवलेंथ है, वेवलेंथ कम है तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन भी कम है। अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम है तो रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा है। ओके, और इंफ्रारेड की तरफ जाओगे तो अच्छा नहीं आएगा। ओके, तो रिजोल्यूशन और लैम्डा का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, रिजोल्यूशन एंड न्यूमेरिकल अपर्चर का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दोनों क्या है? आई मीन ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे निकालते हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल्स टू ईटा साइन एल्फा। ईटा क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन एल्फा, साइन, अच्छा साइन वन की वैल्यू कितनी होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन वन? जीरो, दैट इज राइट। व्हाट अबाउट साइन 90? साइन 90 कितनी होती है? वन होगी।
यस ओके, तो ये दो चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए देखो कम से कम, कि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, जबकि कॉस में उल्टा होता है, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है और कॉस 90 होता है 0। ओके खैर अपन को साइन से ही मतलब है यहाँ पे। और एल्फा जो है वो है एंगल ऑफ हाफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बाय द कंडेंसर। अब ये क्या होता है, तो यहाँ आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आपकी स्लाइड है, स्पेसिमेन पड़ा है यहाँ पे, और यहाँ ये स्पेसिमेन को जूम करके दिखाया गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे है और नीचे से जो रेज आ रही है कंडेंसर से वो यहाँ पे आ रही है। कंडेंसर से रेज आने के बाद में वो स्ट्राइक करेंगी स्पेसिमेन पे, एंड स्पेसिमेन पे स्ट्राइक करने के बाद में वो ऑब्जेक्टिव में जाएंगी। अब आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्टिव में जब वो जा रही है तो वो एक एंगल क्रिएट कर रही है, ये एक एंगल होता है, वी शेप का एंगल होता है, दो रेज जा रही हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में से मतलब ये पूरा एंगल तो आपका क्या है, ये पूरा एंगल है आपका प्रोजेक्शन ऑफ एंगल बाय द कंडेंसर। अब इसका भी हाफ होगा आपका एल्फा, इसलिए अपन क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर इज एन साइन एल्फा, एन साइन एल्फा, और एल्फा होता है हाफ ऑफ द लेंथ। तो अगर मान लो ये एंगल मेरा, ओके ये एंगल अगर मेरा 90 डिग्री है, साइन एल्फा अगर मेरा 90 है, ओके एयर में बात कर रहा हूँ मैं, हवा में, क्योंकि हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है, यहाँ दिखा हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा, तो मेरा न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होगा, वन हो जाएगा। ओके और न्यूमेरिकल अपर्चर अगर मेरा 1 है तो वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री में जा रही होती लाइट तो सेम जाती और निकल जाती, 90 डिग्री में जो लाइट जा रही है वो आपको विजिबल नहीं होगी, कभी भी विजिबल नहीं होगी नेकेड आई से, या फिर आप जब उसमें देखोगे आईपीस में तो आपको स्ट्रेट लाइन कभी नहीं दिखेंगी, जो लाइन ऐसे रिफ्रैक्ट होकर आ रही है सिर्फ वही आपको विजिबल होती है। तो साइन 90 जो है वो एक प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वैल्यू है। तो अगर आपको मैक्सिमम साइन की वैल्यू चाहिए तो वो होती है साइन 70, और साइन 70 की वैल्यू होती है 0.94। ओके तो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो 0.94 आएगा, एयर में बात कर रहा हूँ मैं, हवा में। और बाकी अगर आप ऑयल वगैरह डालोगे तो चेंज हो जाएगा, ऑयल डालोगे तो एन आपका चेंज हो जाएगा 1.5 में, ग्लिसरीन डालोगे तो ये हो जाएगा, वाटर डालोगे तो ये हो जाएगा, तो आपका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके अब अपन बात कर रहे थे कि न्यूमेरिकल अपर्चर और रिजोल्यूशन का क्या लेना देना है, तो क्या रिलेशन है न्यूमेरिकल अपर्चर और रिजोल्यूशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस तो अपन जैसे जैसे एन ए बढ़ाएंगे, जैसे आप हवा में सैंपल देखोगे तो रिजोल्यूशन कम मिलेगा, बट आप जब ऑयल डाल दोगे तो उसका रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न है कि अपन ऑयल डालते हैं, पता था आप लोगों को भी, या ऐसे ही कि भाई हाँ ऑयल डाला है तो अपन भी डाल के देखेंगे क्या हो रहा है। सो दिस इज़ योर साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड दिस, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यस ग्लिसरीन भी डालते हैं, ग्लिसरीन में भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है, ऑयल में भी होता है, वाटर में भी होता है। ओके वाटर भी डालते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यूज़ वगैरह में इन्हीं चीज़ों को टारगेट किया जाता है, जस्ट टू चेक कि आपको पता तो है या नहीं। द रिजोल्यूशन इज अचीव्ड बाय अ लेंस इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन ए स्पेसिमेन। द शॉर्टर द वेव लेंथ, ध्यान देना वेव लेंथ, अपन ने बताया वेव लेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिजोल्यूशन के, तो जितनी छोटी वेव लेंथ उतना ज़्यादा रिजोल्यूशन। ऑफ इल्यूमिनेटिंग लाइट विल द हायर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन फॉर अ माइक्रोस्कोप दैट यूज विजिबल लाइट इज 300 नैनोमीटर। तो रिजोल्यूशन कितना हो गया 300 नैनोमीटर, और अपन ने क्या बोला था कि एक लाइट माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन कितना होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ओके अब ये अपन बातें कर रहे हैं हवा में, ये 0.5 अपन बता रहे हैं जब अपन बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं मैक्सिमम लाने के लिए, अपन क्या करते हैं तब 0.5 आता है। सिंपल एयर के अंदर आप करोगे तो 300 नैनोमीटर का रिजोल्यूशन होता है, एंड विद अ 200 नैनोमीटर विद एन ऑयल इमर्शन लेंस, तो ऑयल इमर्शन में आपको 200 नैनोमीटर तक का भी रिजोल्यूशन पावर मिल सकता है। तो ये इफेक्ट पड़ता है, बाय यूजिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट एज अ लाइट सोर्स द रिजोल्यूशन कैन बी इम्प्रूव टू 100 नैनोमीटर ऑल्सो, बिकॉज द शॉर्टर द वेवलेंथ द बेटर द रिजोल्यूशन। दीज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन आर ऑफन डिफिकल्ट टू अचीव प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ एब्रिएशन इन लेंसेज एंड पुअर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी बायोलॉजिकल सैम्पल्स।
The lateral resolution is usually higher than the axial resolution of any given objective lens. तो लेटरल और एक्सियल ये आपके काम के नहीं है, बट आप लेटरल जो अपन रिजोल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो अपन 0.5 माइक्रोमीटर बता रहे हैं और 1 नैनोमीटर बता रहे हैं, वो सारे लेटरल रिजोल्यूशन होते हैं. ओके, एक्सियल रिजोल्यूशन आपके सिलेबस का नहीं है, ना ही टॉपिक समझने का है कोई. तो अब आपको क्लियर है ये रिलेशन न्यूमेरिकल अपर्चर का और लैम्डा का. न्यूमेरिकल अपर्चर में आप देख लो, न्यूमेरिकल अपर्चर इज ऑलवेज मार्क्ड ऑन द लेंस. लेंसेज को ध्यान से पढ़ना कभी. देर इज अ नंबर बिटवीन 0.4 to 1.4, ये होता है आपका न्यूमेरिकल अपर्चर. द एन ए इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कलेक्ट लाइट फ्रॉम द स्पेसिमेन. तो मैंने बोला जितना वो खुला रहेगा उतनी लाइट लेगा. लेंसेज विद अ लो एन ए कलेक्ट लेस लाइट देन द हाई एन ए. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वेरीज इनवर्सली विद एन ए, विच इंप्लाइज दैट हायर द एन ए यील्ड्स द बेस्ट रिजोल्यूशन. अच्छा, ओके, इस लिमिट को हटा दो. ओके, रिजोल्यूशन वेरीज इनवर्सली विद एन ए, विच इंप्लाइज दैट हायर द एन ए ऑब्जेक्टिव यील्ड द बेस्ट रिजोल्यूशन. ओके, जनरली स्पीकिंग द हायर पावर ऑब्जेक्टिव हैव हायर एन ए एंड बेटर रिजोल्यूशन देन ए लो पावर विद ए लो एन ए. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, रिजोल्विंग पावर के, मैग्निफिकेशन के, एन ए के, और आपका एंगल कौन सा लेना है और एंगल की वैल्यू क्या होनी चाहिए. मैक्सिमम वैल्यू 70 हो सकती है. ओके, उससे ज़्यादा नहीं. अच्छा, ऑयल कौन सा लेते हैं मोस्टली, किस किस ने ऑयल डाला है तो आपको पता होना चाहिए ऑयल कौन सा होता है. यस, एनी आइडिया? पता है बट याद नहीं आ रहा है. ओके, सिडार वुड ऑयल लेते हैं मोस्टली. यस, सिडार वुड ऑयल. एक्चुअली सिडार एक जिम्नोस्पर्म होता है. मान लो कहीं पूछ ले आपको, डीबीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जिम्नोस्पर्म होता है, उससे लिया जाता है. ओके, आगे चलते हैं. अच्छा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वही बातें हैं. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें करें, जो अपन न्यूमेरिकल अपर्चर में ये एन की बातें कर रहे हैं, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम. द लाइट मे बेंड इन एयर सो मच दैट इट मिसेस द स्मॉल हाई मैग्निफिकेशन लेंस. कौन सा? ऑब्जेक्टिव लेंस. इमर्शन ऑयल इज यूज टू कीप लाइट फ्रॉम बेंडिंग. तो आप ये देखो, रेड वाली जो लाइट है ये एयर के थ्रू जा रही है, तो एयर में आप देख रहे हो कि कुछ है नहीं डाइवर्जन का सोर्स, इसलिए वो स्ट्राइक कर रही है और इज रिफ्रैक्टेड एंड इट इज़ लॉस्ट. वो कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव लेंस पे नहीं जा रही है, बट आपने क्या किया, वहाँ पे ऑयल डाल दिया. अब ऑयल डालने से क्या हुआ, ये जो लाइट जा रही थी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया है. चेंज होने की वजह से वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में चली गई है और आपको रिजोल्यूशन मिलता है. सो एयर का 1 है, वाटर का 1.3 है, ग्लिसरॉल का 1.4 है, ग्लास का 1.5 है और ऑयल का भी 1.5 है. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस की वैल्यू जो आपको आइडिया होना चाहिए, एग्जाम में अगर गिवन नहीं हो तो आपको पता होनी चाहिए, खासकर ऑयल की. ओके, अब आते हैं लाइट माइक्रोस्कोप पे. ये आप तीन तरह के लाइट माइक्रोस्कोप यहाँ पे देख सकते हो. दिस इज़ योर सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप जो बहुत पहले बनाया था. इसमें आप देखोगे कि एक ही लेंस होता है, एक लेंस है और एक छोटा आई पीस है, स्लाइड रखी हुई है और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. अब आते हैं आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स. कंपाउंड माइक्रोस्कोप हाईली एडवांस है. आपकी लैब में ऐसा नहीं होगा, आपकी लैब में सिंपल वाला होगा आई होप. किसी के पास है ऐसा लैब में जिसमें बाइनोकुलर लेंसेज हैं? है, ओके, तो फिर आपने ये देखा होगा. ये वाला देखा है कभी, दिस माइक्रोस्कोप? किसी ने देखा है ये? सेकेंड फिगर वाला देखा है किसी ने? नहीं देखा? देखा है, ओके. ये कौन सा होता है माइक्रोस्कोप? नहीं देखा ये, ओके. तो ये जो आता है आपका, ये अपराइट माइक्रोस्कोप होता है. अपराइट माइक्रोस्कोप वो होते हैं जिनमें नीचे लाइट होती है, नीचे लाइट होती है और नीचे से लाइट स्ट्राइक करती है ऊपर की साइड. ओके, और ये होते हैं आपके इन्वर्टेड.
इन्वर्टेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें क्या होता है ऊपर लाइट होती है तो नीचे का जो एरिया है आपका ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, स्टेज जो है वो बड़ा हो जाता है, तो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। अगर आप इसको जूम करके देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देखोगे यहाँ पे निडल जो है वो दिखा रखी है और यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एम्ब्रियो के ऊपर, निडल से कुछ इंजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाता है तब आप उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं स्पेसिमेंस के ऊपर कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें करने के लिए, ठीक है, लाइव एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो इसलिए इन्वर्टेड जो है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है क्योंकि उनमें आपको लाइव एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है, आप करते करते ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ऑल द मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन ग्लास लेंस। तो जो सिंगल लेंस वाले होते हैं उनको अपन सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिनमें ज़्यादा होते हैं लेंसेज उनको अपन कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। द मेजर कॉम्पोनेंट आर द कंडेंसर लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। सच इंस्ट्रूमेंट्स आर देयरफॉर नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वन इज अपराइट एंड इन्वर्टेड। द लाइट सोर्स इज बिलो द कंडेंसर इन एन अपराइट, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज। द इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप इज इंजीनियर सो दैट द लाइट सोर्स एंड द कंडेंसर लेंस आर अबव द स्पेसिमेन। तो जहाँ से लाइट आएगी वहीं पर ही आपका कंडेंसर लेंस होगा। तो लाइट क्या आ रही है, इधर आ रही है, अब कंडेंसर लेंस ने उसको फोकस कर दिया, यहाँ पर आपका सैंपल पड़ा है, अब आपका जो आई पीस है वो इधर की साइड है, तो आप यहाँ से ईजीली देख सकते हो। तो आपका नीचे का जो एरिया है पूरा खाली हो गया है, अब आपको ज़्यादा स्पेस मिल गया। दिस अलाउज एडिशनल रूम फॉर मैनिपुलेटिंग द स्पेसिमेन डायरेक्टली ऑन द स्टेज, फॉर एग्जाम्पल माइक्रो इंजेक्शन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन टू टिश्यू कल्चर सेल्स, फॉर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स और फॉर व्यूइंग डेवलपिंग एम्ब्रियोज ओवर टाइम। तो ये इसके कुछ यूजेज होते हैं इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के, आपके अगर लैब में हो तो आप उसको देखना, उसको समझना। ओके, तो ब्राइट अब अपन आते हैं कि जो आप कोई भी चीज स्पेसिमेन डालते हो स्लाइड के ऊपर तो वो विजिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे अपन कोई सेल लेते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, आप कोई एम्ब्रियो लेते हो वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, तो आपको उसको विजिबल बनाना पड़ेगा। उसको विजिबल बनाने के लिए अपन को कुछ कॉन्ट्रास्ट ऐड करना पड़ेगा। देखा होगा आपने फोटो वगैरह एडिट करते हो तो एक कॉन्ट्रास्ट नाम का ऑप्शन आता है, तो कॉन्ट्रास्ट के साथ जब आप छेड़छाड़ करते हो तो आपके फोटो का कलर चेंज होता है, उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती है, आपको ऐसे अलग से दिखती है फोटो। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, आपको कॉन्ट्रास्ट चेंज करके उसको विजिबल बनाना है। द स्पेसिमेन, अब दो तरह से आप विजिबल बना सकते हो, एक होता है ब्राइट फील्ड और एक होता है लाइट फील्ड, आई मीन डार्क फील्ड। तो ब्राइट फील्ड में समझ में आ रहा है कि फील्ड आपकी होती है जो स्टेज के ऊपर, मान लो ये स्लाइड है, तो जो आपका स्पेसिमेन है वो एरिया तो आपका अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा जो भी जगह है ये साइड वाली ये आपकी हो गई फील्ड। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको सिर्फ ऑर्गेनिज्म आपका डार्क दिखेगा, बाकी सब उसके आसपास की चीज़ें क्या दिखेंगी, लाइट इन कलर, वाइट कलर की दिखेंगी, एकदम ब्राइट दिखेंगी, इसलिए अपन इसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जबकि डार्क फील्ड में क्या होता है, बैकग्राउंड एकदम काला होता है, डार्क होता है, और जो स्पेसिमेन होता है वो वाइट कलर का होता है। तो अगर एग्जाम्पल की तरह दिखाऊं तो ये होता है आपका ब्राइट फील्ड, आप देख रहे हो पूरा बैकग्राउंड वाइट है और जो आपका एम्ब्रियो है वो कॉन्ट्रास्ट की वजह से उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और डार्क फील्ड में होता है पूरा बैकग्राउंड आपका ब्लैक होता है और आपका एम्ब्रियो जो है वो वाइट कलर में शाइन करता है, या फिर जो भी कलर दिखता है उसमें शाइन करता है। दिस स्पेसिमेन इज इल्यूमिनेटेड बाय अ बीम ऑफ टंगस्टन लाइट फोकस्ड ऑन इट बाय अ सब स्टेज लेंस कॉल्ड अ कंडेंसर। सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय स्टेन्स पिगमेंटेशंस और डेंस एरियाज ऑफ द सैंपल। तो आपने क्या किया, लाइट नीचे से डाली, पूरे स्लाइड पे आपने लाइट डाल दी, अब लाइट जहाँ पे सैंपल है वहाँ पे वो लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है, अब वो अंदर से आर पार नहीं होगी, आर पार नहीं होगी तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। तो वो क्या, लाइट जब आपके स्पेसिमेन से टकराएगी तो वो वापस टकरा के चली जाएगी, तो आपको यहाँ से विजिबल नहीं होगी लाइट यहाँ यहाँ पे, और ये क्या दिखेगा, एरिया एकदम डार्क दिखेगा, जबकि और जगह से लाइट जो है सिंपली पास हो रही है तो आपको पूरा एरिया वाइट दिखता है। एंड दिस कॉन्ट्रास्ट अलाउज यू टू सी द स्पेसिमेन एंड द रिजल्ट, द स्पेसिमेन अपीयर्स डार्क अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड। द ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाइज द लाइट एंड ट्रांजिटेड टू द ऑक्युलर लेंस इन टू द यूजर्स आई। ब्राइट फील्ड इज देयरफॉर यूज्ड मोस्ट ऑफन टू कलेक्ट इमेजेस फ्रॉम पिगमेंटेड टिश्यूज, जिनका कलर होता है जैसे वाइट कलर हो गया, जैसे ग्रीन कलर हो गया, येल्लो ऑरेंज कलर हो गया, तो पिगमेंटेड चीज़ों को आपको अगर देखना है तो आप ब्राइट फील्ड का यूज़ करोगे। और हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस और टिश्यू कल्चर सेल्स दैट हैव बीन स्टेन्ड विद कलरफुल डाइज,
लिविंग सेल कैन बी सीन विद ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप्स, बट कुछ लिमिटेशंस होती हैं। क्या लिमिटेशन है? वेरी लो कॉन्ट्रास्ट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल सैम्पल्स, मतलब आपको ठीक है दिख जाता है, आप एक आइडिया लगा सकते हो, बट एक अच्छी इमेज नहीं बनती है, कॉन्ट्रास्ट बहुत कम होता है, तो आप बैकग्राउंड और उसके अंदर ज़्यादा डिस्टिंग्विशन नहीं कर सकते हो। सैम्पल्स दैट आर नेचुरली कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट कैन नॉट बी सीन वेल, एग्जाम्पल मैनी टाइप ऑफ मेमेलियन सेल्स, तो उनको देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, दीज सैम्पल्स आर ऑफन हैव टू बी स्टेन्ड बिफोर व्यूइंग, तो स्टेनिंग करना जरूरी है। तो आप जो कलर्ड चीज़ें हैं उनको देख सकते हो, जो कलरलेस है उनका आप कोई यूज़ नहीं है। फिर अपन आते हैं डार्क पे। डार्क फील्ड में लाइट एंटर्स द माइक्रोस्कोप एंड अ स्पेशलाइज्ड साइज डिस्क द पैच स्टॉप ब्लॉक्स सम लाइट फ्रॉम इट्स फ्रॉम द लाइट सोर्स लीविंग एन आउटर रिंग ऑफ इल्यूमिनेशन। इसने क्या किया, जो लाइट आई है कंडेंसर लेंस से उसको यहाँ पे पैच लगा दिया अपने, पैच लगा दिया तो सिर्फ इतना सा पैच खुला हुआ है तो सिर्फ यहाँ से लाइट जाएगी। द कंडेंसर लेंस फोकसेस द लाइट टुवर्ड्स द सैंपल, द लाइट एंटर्स द सैंपल, मोस्ट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड while some is scattered from the sample. The scattered light enters the objective lens, while the directly transmitted light simply misses the lens and is not collected due to direct illumination break. तो direct illumination block क्या होता है कि ये light सीधी जा रही है, condenser lens आ गया बीच में sample आ गया, objective lens आ गया, ये आपकी आँख आ गई, अब इसको reflect होके वापस जाना पड़ेगा। तो क्योंकि एकदम straight line है इसलिए आपको ये light दिखेगी भी नहीं, इसी को अपन कहते हैं illumination block। सीधी लाइट आप कभी भी नहीं देख सकते, आपको स्कैटर्ड लाइट चाहिए। तो जो लाइट स्कैटर करती है वही ऑब्जेक्टिव लेंस में जाती है और वही आपको विजिबल होती है। ओनली द स्कैटर्ड लाइट गोज इनटू द प्रोड्यूस इमेज व्हाइल द डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट इज ओमिटेड। दिस टेक्निक हैज़ ट्रेडिशनली बीन यूज्ड फॉर व्यूइंग द आउटलाइंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड मीडिया सच एज लिविंग स्पर्मेटोजोआ, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स ग्रोइंग इन टिश्यू कल्चर, और ए क्विक चेक ऑफ द स्टेटस ऑफ बायोकेमिकल प्रिपरेशंस। तो डार्क फील्ड अपन ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये आपकी वाइट लाइट आ रही है, यहाँ पे आपने एनुलर फिल्टर लगाया है जिसको अपन क्या कह रहे हैं, पैच स्टॉप। अब आप पैच स्टॉप में क्या देख रहे हो कि मिडल वाली लाइट कभी नहीं जा रही है, लाइट कहाँ जा रही है, सिर्फ यहाँ से जा रही है। अब क्या हुआ, कंडेंसर आया, उसने लाइट को ऐसे फोकस कर दिया। कंडेंसर का काम लाइट को एक पॉइंट पे लेके आना होता है और वो पॉइंट होता है सैंपल। अब यहाँ से लाइट जाएगी, स्कैटर होगी, ये जो स्कैटर्ड लाइट है ये आपकी जाएगी इमेज बनाने के लिए, और ये जो लाइट है ये डिफ्रैक्ट नहीं हुई है, ये डिफ्रैक्ट नहीं हुई है तो ये सिंपली पास हो जाएगी। अब यहाँ जब जाएगी तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा, ऑब्जेक्टिव का काम होता है मैग्नीफाई करना, और मैग्नीफाई करने के लिए फिर आपको आईपीस जो है उसमें 10x का मैग्नीफिकेशन और होता है, तो और अच्छी इमेज मिलती, और बड़ी इमेज मिलती है आपको। तो इनका काम मैग्नीफिकेशन का होता है और इसका काम होता है, कंडेंसर लेंस का काम होता है पूरी लाइट को एक जगह स्कैटर करना। तो ये है डार्क फील्ड में। डार्क फील्ड में आपको पूरा बैकग्राउंड ब्लैक दिखेगा, सैंपल वाइट दिखेगा, और बाकियों में सैंपल ब्लैक दिखेगा और बैकग्राउंड वाइट दिखेगा। अब अपन आते हैं तीसरे तरह के माइक्रोस्कोप से, लाइट माइक्रोस्कोप पे, जिसका नाम है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब नाम तो समझ में आ गया, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, माइक्रोस्कोप हो रहा है। अभी डार्क फील्ड में भी यही हो रहा था, लाइट फील्ड में भी यही हो रहा था। अब क्या चीज़ चेंज हुई है, फेज़ क्या होता है, फेज इज़ योर मीडियम। जैसे हवा से पानी में जा रही है, हवा से ऑयल में जा रही है, हवा से हवा में जा रही है, तो फेज़ चेंज होना भी एक ज़रूरी होता है। फेज़ की वजह से अगर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है इमेज के अंदर तो उसको अपन फेज़ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। फेज़ कॉन्ट्रास्ट इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग अनस्टेन्ड सेल्स ग्रोइंग इन टिश्यू कल्चर एंड फॉर टेस्टिंग सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स प्रिपरेशन फॉर लाइसिस। तो ध्यान देना, अनस्टेन्ड, अभी तक अपन क्या बात कर रहे थे, लाइट माइक्रोस्कोप में, आई मीन ब्राइट फील्ड में, ब्राइट फील्ड में आप सिर्फ स्टेन्ड को देख सकते हो। तो कोई पूछे कि एकदम ऑपोजिट कौन है स्टेन्ड का, तो फेज कॉन्ट्रास्ट है, ध्यान देना। द ऑप्टिक्स इंक्लूड स्पेशल ऑब्जेक्टिव एंड अ कंडेंसर दैट मेक्स विजिबल सेलुलर कॉम्पोनेंट्स दैट डिफर ओनली स्लाइटली इन देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने देखा होगा, मान लो कि आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि दो आदमी खड़े हैं, एक के इस बगल में खड़ा है, तो कैमरा इस पर फोकस करेगा तो ये आपको ब्लर दिखेगा, देखा है, और जब इस पे फोकस करेगा तो ये आपको ब्लर दिखेगा। देखा होगा आप लोगों ने भी कैमरे वगैरह यूज़ किए होंगे, उसमें आपने देखा होगा फोकस जहाँ पे करते हैं उसके अलावा सारी चीज़ें आपको ब्लर दिखती हैं, वही चीज़ होती है फेज़ कॉन्ट्रास्ट में। यहाँ डायग्राम मतलब फेज़ कॉन्ट्रास्ट वैसा ही कुछ होता है, आप जो आपकी डिज़ायर्ड चीज़ें हैं उन पर फोकस कर रहे हो और उसी को आप ज़्यादा विजिबल बना रहे हो। एक था कपूर के सीरियल में, यस यस, फ़ोन में भी होता है आजकल पोर्ट्रेट मोड जिसको कहते हैं,
जो कि एक फालतू का होता है। बाकी DSLR लेंस जो होते हैं ओरिजिनल, उनके अंदर एक्चुअल जो ब्लर होता है वो परफेक्ट होता है, उस वो आँखों के जैसा होता है। आँखों से भी आप देखोगे, अगर आप पेन देखोगे अभी सामने, आँखों के पेन देखोगे तो पीछे की सारी चीज़ें ब्लर हो जाएंगी। ओके, फ़ोन में आजकल ब्यूटी ऑप्शंस, पोर्ट्रेट मोड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ़ोन कंपनियाँ आपकी स्किन हमेशा बकवास होती है, उनको उनके हिसाब से जो अच्छी स्किन होती है वो होती है जिसपे कोई भी पैचेस नहीं हो, कोई भी झुर्रियाँ नहीं हो, ब्लैक नहीं हो, सिर्फ वाइट चमकती स्क्रीन स्किन होनी चाहिए, वो उनका मेन मकसद रह चुका है। और कैमरा भी आजकल वैसा ही बनता है, और इस वजह से सोच भी ख़राब हो गई है पूरी दुनिया की और ख़ासकर भारत की। तो आप लोग अवॉइड करें इनको यूज़ करना, नेचुरल फ़ोटोज़ आर बेस्ट। यस, फेयर एंड लवली भी हो गया आपका, तो ये सब चीज़ें देखो, मुद्दों से भटकने वाली बात हो गई। प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंसान। खैर, अपन आते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट पे। अब फेस कॉन्ट्रास्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि मैंने बताया फेस चेंज हो रहा है, और फेस चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। द ऑप्टिक्स इंक्लूड स्पेशल ऑब्जेक्टिव एंड कंडेंसर दैट मेक्स विजिबल सेलुलर कॉम्पोनेंट्स दैट डिफर ओनली स्लाइटली इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आता है, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से जो लाइट पास होगी उसको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करनी है, ठीक है, वो क्रॉस कर लेगा। अब उसको क्या करना है, साइटोप्लाज्म को भी पेनिट्रेट करना है, एंड देन न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को भी पेनिट्रेट करना है, जोर आएगा। द लाइट दैट पासेस थ्रू थिकर पार्ट्स ऑफ द सेल इज हेल्ड अप रिलेटिव टू द लाइट दैट पासेस थ्रू थिनर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इसीलिए आपको फेज कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एज लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्पेसिमेन पोर्शन ऑफ द लाइट इज रिफ्रैक्टेड ड्यू टू स्लाइट वेरिएशन इन द डेंसिटी, क्योंकि इसके अंदर पानी है तो डेफिनेटली यहाँ पे लाइट ऐसे जा रही है तो उसमें बैंड आएगा, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो चुका है। अब आप क्या बोल रहे हो, यहाँ से लाइट जा रही है ऐसे बैंड हुई, अब यहाँ पे आपका न्यूक्लियस आ गया, अगेन बैंड हो गई, तो दो बार बैंड हो चुकी है लाइट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो चुका है। इसकी वजह से आपको अलग अलग इमेजेस जो हैं दिखेंगी आपको, आप इसी को कहते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। चेंजेस इन द ब्राइटनेस अराइजेस फ्रॉम द स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विच इज ऑफन वेव लेंथ डिपेंडेंट एंड मे गिव राइज टू कलर्स। तो आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये मेरा न्यूक्लियस है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फेज का चेंज आया, इसलिए लाइट स्कैटर हो गई है और इसलिए आपको वो दिख रहे हैं, आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। वो होते हैं फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स। उससे भी एडवांस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स, DIC। ये इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप्स के एग्जाम्पल होते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप दैट प्रोड्यूसेस इमेज विद अ शेडो रिलीफ। ये वो चीज़ है जो शेडो रिलीफ देती है, जो आपका एरिया ऑफ फोकस है वो आपको एकदम क्लियर दिखेगा और पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको इतनी अच्छी से नहीं दिखेगी। इनको अपन कहते हैं डिफरेंशियल कॉन्ट्रास्ट। डिफरेंशियल कॉन्ट्रास्ट मतलब, याद होगा आपको डिफरेंशियल का मतलब मैंने बताया आपको, आप दो चीज़ों को जब डिफरेंशिएट कर पाते हो तो उसको अपन डिफरेंशियल कहते हैं। तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि हाँ, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं और पीछे की साइड एक बहुत बड़ी ऑर्गेनेली है। इट इज़ यूज फॉर व्यूइंग अनस्टेन्ड सेल्स, टिश्यू कल्चर्स, एग्स एंड एम्ब्रियोज एंड इन कॉम्बिनेशन विद सम स्टेन्स। तो आप स्टेन, इस पे लाल कलर का स्टेन डाल दो और इस पे ब्लू कलर का स्टेन डाल दो, तो आपको दिख जाएगा, अलग से दिख जाएगा, एक बार रेड पे फोकस होगा, एक बार ब्लू पे होगा। हेयर द ओवरऑल शेप एंड द रिलीफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज व्यूड यूजिंग द DIC एंड ए सबसेट ऑफ स्ट्रक्चर इज स्टेन्ड विद इन अ कलर्ड डाई। द DIC और फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी इज जनरली चोजन फॉर इमेजिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग एंड एम्ब्रियोज। तो अपन अभी तक देख के आ चुके हैं कि एग वगैरह के, एम्ब्रियोज वगैरह के जो डायग्राम्स आप देखते हो वो सारे इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप से लिए हुए होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर आपको स्पेसिमेन डालना है तो दैट स्पेसिमेन शुड बी डेड, एकदम डेड होना चाहिए और उसके अंदर पानी भी नहीं होना चाहिए, इट शुड डिवॉइड ऑफ वाटर। तो जब आप अभी अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखेंगे उसमें बताऊंगा कि पानी आपको पहले निकालना पड़ता है, आपको बहुत सारे, जैसे मान लो आप अल्कोहल से उसको, अल्कोहल उसके अंदर डालोगे तो वो पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेगा बाहर, तो एकदम कम्प्लीटली वाटर फ्री होना चाहिए, उसके अलावा वो एकदम कम्प्लीटली डेड होना चाहिए, उसमें कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको इमेज बना सकता है, वरना वो नहीं बनाता है, वरना इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक करते हैं तो एरर आता है उसमें। ओके, आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आप फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अलग अलग चीज़ों पे स्ट्राइक करते हैं तो अलग अलग चीज़ें रिलीज होती हैं, मे बी वो जाके किसी
से स्ट्राइक करके और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं, किसी को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे के वापस भी ले सकते हैं, तो काफ़ी सारे रिएक्शंस हो सकते हैं। इसलिए उनको अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स में डेड ऑर्गेनिजम्स और वाटर नहीं लिया जाता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। अब अपन आते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप पे। अब आपको पता ही होगा फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप आज के टाइम पे काफ़ी ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट टेक्निक सिंस इट गिव्स सुपीरियर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। तो सुपीरियर सिग्नल मतलब सिग्नल ज़्यादा है, नॉइज़ कम है। द मोस्ट कॉमनली यूज फ्लोरोसेंस टेक्निक इज़ द एपी फ्लोरोसेंस लाइट माइक्रोस्कोप। एपी फ्लोरोसेंस का मतलब हो गया ऊपर से लाइट आती है, जस्ट लाइक योर इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स। हियर द लाइट कम्स फ्रॉम द अबाउ द सैम्पल एंड द ऑब्जेक्टिव लेंस एक्ट एज अ बोथ कंडेंसर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये भी ध्यान देना कि आपका जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है वो दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, कंडेंसर की तरह भी कर रहा है और ऑब्जेक्टिव की तरह भी कर रहा है। फ्लोरोसेंस इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू अचीव हाईली स्पेसिफिक लेबलिंग ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स। तो आप अलग अलग प्रोटीन्स को लेबल कर सकते हो फ्लोरोसेंस की हेल्प से, इसलिए ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होती है। द इमेज यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन ऑफ फ्लोरोसेंस ओवर लार्ज रीजन ऑफ नो फ्लोरोसेंस विच गिव्स एक्सीलेंट सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो लाइट एमिट फ्लोरोसेंस का कंसेप्ट आपको पता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा। होता क्या है, आप एक लाइट देते हो, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की आप लाइट देते हो, उस वेवलेंथ की लाइट को आपका जो फ्लोरोफोर होता है वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद में उससे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है, वो होता है फ्लोरोसेंस। तो यहाँ इस डायग्राम में देखो, ये माइक्रोस्कोप का एक आउटलाइन है, ये आपका लाइट सोर्स है, ठीक है, यहाँ से लाइट गई, ये आपका लेंस है। अब ये लेंस जो है ये अच्छा, इट विल बिहेव लाइक अ कंडेंसर हेयर। अब कंडेंसर की तरह बिहेव करेगा, अलॉन्ग विद दैट ये ऑब्जेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है, ध्यान देना। तो यहाँ से ये जाएगा, यहाँ पे एक मिरर होता है जिसको अपन कहते हैं डाइक्रोमेटिक मिरर। उस क्रोमेटिक मिरर से पहले एक फिल्टर आता है जिसका नाम होता है एक्साइटेशन फिल्टर। एक्साइटेशन फिल्टर, एमिशन फिल्टर एंड डाइक्रोमेटिक मिरर, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होती है उन्हीं को पास करने की इजाज़त देते हैं। स्पेसिफिक वेवलेंथ लाइट पासेज ओनली। अब आपने क्या किया, यहाँ पे सैंपल है उसके अंदर फ्लोरोफोर डाल रखा है। अब वो फ्लोरोफोर जो है वो 488 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो आपने क्या किया, लाइट सोर्स दिया, लाइट सोर्स से जो भी लाइट आएगी वो इस फिल्टर के थ्रू ओनली 488 नैनोमीटर की पास होगी, 488 नैनोमीटर की पास होगी। अब आपका ये जो मिरर है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ 48 नैनोमीटर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्या करेगा, उस लाइट को पकड़ के नीचे लेके जाएगा, नीचे ले आया उस लाइट को, ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर डाल दिया, ऑब्जेक्टिव लेंस से वो आपका, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस अगेन यहाँ पे लाइट को ले भी रहा है, फोकस भी कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो ये कंडेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, अभी ये कंडेंसर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि लाइट को ये फोकस कर रहा है एक जगह पे। अब आपने क्या किया, 488 नैनोमीटर की लाइट दी, फ्लोरोफोर ने एब्जॉर्ब कर ली। अब फ्लोरोफोर ने एमिट करी 512 नैनोमीटर की लाइट, ठीक है। अब लाइट क्या करेगी, वापस जाएगी ऊपर, अब ये बिहेव करेगा ऑब्जेक्टिव की तरह, लाइट ऊपर जाएगी। अब ये सिर्फ रिफ्लेक्ट करेगा 488 नैनोमीटर की लाइट को, तो 512 वाली को क्या करेगा, वो ट्रांसमिट कर देगा, अंदर से बाहर निकाल देगा। अब बाहर निकाल देगा वो, इट इज़ बिहेविंग लाइक ए मिरर ऑल्सो एंड योर लेंस ऑल्सो। बाहर निकल गई 512 नैनोमीटर की लाइट। अब यहाँ पे एक फिल्टर आएगा जिसका नाम है एमिशन फिल्टर। अब कोई भी लाइट आ रही हो, क्योंकि 488 के अलावा जो भी आएगी उसको ये पास कर देगा, 500 की भी हो सकती है वो, तो एमिशन फिल्टर लगाना ज़रूरी है। वो सिर्फ 512 नैनोमीटर की लाइट को ही पास करेगा और वो जाएंगी आपके CCD के पास में, ठीक है। CCD एक्चुअली यहाँ पे CCD जो है एक तरह का आप कह सकते हो सेंसर है जो इमेज को कैप्चर करेगा। इट विल बिहेव लाइक योर वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरा और CCD में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इमेजेस को कैप्चर करते हैं। जबकि आपने सुना होगा कि फोटोवोल्टेइक मीटर आता है यहाँ पे, एक नाम होता है, उसका नाम भूल गया मैं, क्या नाम होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है, छोड़ो। अपन आगे देखेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखेंगे कि यहाँ पे अलग तरीके के सेंसर्स होते हैं, उनका काम होता है कि वो लाइट की रेडिएशंस को कैच करते हैं,
कितनी लाइट उसमें से आ रही है, फिर उसके हिसाब से इमेज बनाते हैं वो, जबकि ये क्या है पूरी इमेज को कैप्चर कर लेते हैं, डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये फंडा होता है आपके फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का। ये समझ में आया सभी को कि जो लाइट जा रही है जिस नैनोमीटर की, उसको एब्जॉर्ब करेगा और उससे ज़्यादा के वेवलेंथ को एमिट करेगा। अब उस एमिट वेवलेंथ को अपन कैप्चर कर लेंगे और आपकी इमेज शो हो जाएगी। अब इसके लिए आपको तीन फिल्टर्स चाहिए, पहला एक्साइटेशन फिल्टर होता है, देन डायक्रोमेटिक मिरर होता है, देन आपका एमिशन फिल्टर होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। द लाइट सोर्स इज यूजुअली है हाई प्रेशर मर्करी और ज़ीनॉन वेपर लैम्प एंड मोर रिसेंटली लेजर LED सोर्सेज विच एमिट लाइट फ्रॉम द UV इन टू द रेड वेव लेंथ। तो आप देख रहे हो रिजोल्यूशन ज़्यादा लाने के लिए अपन UV लाइट का भी यूज ले सकते हैं। स्पेसिफिक वेव लेंथ ऑफ लाइट इज यूज टू एक्साइट अ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल विच इज नोन एज फ्लोरोफोर। लाइट ऑफ लॉन्गर वेव लेंथ फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ द फ्लोरोफोर इज देन इमेज्ड। तो ज़्यादा वेव लेंथ की, लॉन्गर वेव लेंथ की इमेज क्या होंगी, एक्साइट होंगी, जबकि शॉर्टर वेव लेंथ की लाइट आपने उसमें डाली है। दिस इज अचीव्ड इन द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर्स एंड आर स्पेसिफिक फॉर एक्साइटेशन एंड एमिशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लोरोफोर। देर आर यूजली थ्री मेन फिल्टर्स, एक्साइटेशन, डाइक्रोमेटिक मिरर ऑफन नॉन एज डाइकोरिक एंड अ बैरियर फिल्टर माउंटेड इन अ सिंगल हाउसिंग अबव द ऑब्जेक्टिव लेंस। फॉर एग्जाम्पल द कॉमनली यूज फ्लोरोफोर फ्लोरेसिन इज ऑप्टिकली एक्साइटेड एट अ वेव लेंथ ऑफ 488 नैनोमीटर। तो अपन ये फ्लोरेसिन की बात कर रहे हैं, एंड एमिट्स मैक्सिमली एट 418 नैनोमीटर। द फ्लोरोसेंस एमिटेड फ्रॉम द स्पेसिमेन इज ऑफन टू लो टू बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई और इट मे बी आउट ऑफ द वेव लेंथ रेंज to detect by the human eye. A sensitive digital camera easily detects such signals, for example CCD or PMT. Yes, photo multiplier, PMT. Photo multiplier जो होते हैं वो intensity, light की intensity को capture करते हैं, जबकि CCD जो होता है वो video photo को capture करता है। ये difference है दोनों में। तो CCD ने आपका capture कर लिया और PMT वगैरह आपका काम कर ही रहे हैं। ये clear है सभी को? क्या limitation है fluorescence microscopes की? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं, क्योंकि उनमें कम वेवलेंथ की लाइट को अपन स्ट्राइक करते हैं, तो उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स रिलीज हो सकते हैं। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी विद फ्लोरोसेंट रिपोर्टर प्रोटीन हैज इनेबल्ड एनालिसिस ऑफ लाइव सेल्स बाय फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। हाउएवर सेल्स आर ससेप्टेबल टू फोटोटॉक्सिसिटी पर्टिकुलरली विद शॉर्ट वेवलेंथ। ये एक प्रॉब्लम आती है। अनलाइक ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स, फ्लोरोसेंस ओनली अलाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स विच हैव बिन लेबल्ड फॉर दी फ्लोरोसेंस। तो आपको लेबलिंग भी तीन चार तरीके की करनी पड़ेगी अगर आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ एनालाइज करनी है। तो अगर आप एक ही फ्लोरोफोर डालोगे तो एक ही चीज़ देख सकते हो, सारी नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्विंग ए टिश्यू सैम्पल प्रिपेयर विद अ फ्लोरोसेंट DNA स्टेन बाय द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी ओनली रिवील्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द DNA एंड नथिंग एल्स अबाउट द सेल मॉर्फोलॉजी। तो ये लिमिटेशन होती है आपकी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप की। क्लियर है? ओके, अब अपन चलते हैं अपने फाइनल लाइट माइक्रोस्कोप पे जिसका नाम है इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। और ये सब अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट चेंज करने, कॉन्ट्रास्ट इमेज बनाने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुए हैं अपन? ब्राइट फील्ड से, डार्क फील्ड से, देन फेस कॉन्ट्रास्ट से, देन DIC से, देन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से, अब अपन आते हैं इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप से। नाम से समझ में आ रहा होगा कि फ्लोरोसेंस तो अपन कर ही रहे हैं, अपन इम्यूनोग्लोबिन्स की हेल्प से कर रहे हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स की हेल्प से अपन उसको टैग कर रहे हैं, एंटीबॉडीज जिसको अपन कहते हैं। इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप यूज टू मैप द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द सेल एंड टिश्यूज। द मेथड टेक्स एन एडवांटेज ऑफ हाईली स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द प्रोटीन। और आपको पता ही है प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन होता है एंटीजन एंटीबॉडी का। तो एंटीजन सारे प्रोटीन होते हैं, एंटीबॉडी होती है आपकी। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। उस स्पेसिफिसिटी को ध्यान में रखते हुए अपन इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं, क्योंकि अपन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो चुके हैं। आपने एक फ्लोरोसेंस डाला जो रेड कलर का है वो न्यूक्लियस को टैग करेगा, फिर आपने एक ग्रीन डाला जो गोल्जी अपैरेटस को टैग करेगा। तो आप जब इमेज देखोगे तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई ये न्यूक्लियस है और ये मेरा गोल्जी अपैरेटस है। एंटीबॉडीज आर रेज्ड टू द प्रोटीन्स ऑफ इंटरेस्ट दैट आर लेबल्ड विद अ फ्लोरोसेंट प्रोब। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर माइटोकॉन्ड्रिया करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में कोई प्रोटीन है, मान लो XYZ कोई भी प्रोटीन है, तो आप उसको फॉर एग्जाम्पल टॉम प्रोटीन है तो TOM21 को आप टैग कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा भाई रेड कलर वाला TOM21 है, दैट मीन्स ये माइटोकॉन्ड्रिया है। द प्रोब
तो ये जो अपन एंटीबॉडी रेज कर रहे हैं इसी को अपन प्रोब कहते हैं। द प्रोब इज देन यूज टू लेबल द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द सेल कैन बी इमेज्ड यूजिंग फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। इन प्रैक्टिस सेल्स आर यूजली लेबल्ड यूजिंग इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस, जिसको अपन क्या कहते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो मान लो मेरा ये TOM21 प्रोटीन है, इसको टैग करने के लिए मैंने एक एंटीबॉडी बनाई, ये मेरी होगी प्राइमरी एंटीबॉडी। बट मैंने क्या किया, इसको फ्लोरोसेंट बनाने के बजाय मैंने एक और एंटीबॉडी ली, उसको मैंने फ्लोरोसेंट बना दिया, ये मेरी होगी सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब इसका यूज़ क्या है कि अपन यहाँ देखो, सच ए प्रोटोकॉल गिव्स हायर फ्लोरोसेंट सिग्नल देन यूजिंग अ सिंगल फ्लोरोसेंटली लेबल्ड एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो अपन दे रहे हैं वो प्राइमरी एंटीबॉडी है, इट इज़ फर्दर लेबल्ड यूजिंग अ सेकेंड एंटीबॉडी विच कैरीज अ फ्लोरोसेंट टैग, जिसको अपन सेकेंडरी एंटीबॉडी कहते हैं। यस, जैसे एलिजा में होता है, दैट इज करेक्ट। तो अपन जब इम्यूनो टेक्निक्स पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा जोर नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। और इम्यूनोफ्लोरोसेंस जो माइक्रोस्कोपी है उसी के अंदर आपका आता है फिश। फिश क्या होता है, फ्लोरोसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। यस, तो यहाँ पे भी अपन एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन किसका करते हैं, प्रोब का करते हैं। तो अपन उस टाइम पढ़ेंगे ये फिश और गिश। तो फिश जो है वो आपको इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से लिया जाता है। अब अपन आते हैं फाइनल टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आपको पता ही है, अब इसमें कुछ बताने की बातें हैं नहीं, मैं सिर्फ पढ़ता जाऊँगा। माइक्रोस्कोप दैट यूजेज अ बीम ऑफ एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अप टू 1 लाख टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट से भी बहुत छोटी लाइट होती है, बहुत छोटी वेवलेंथ की लाइट होती है। इसी की वजह से क्या होता है, इट हैव अ हायर रिजोल्यूशन पावर देन लाइट माइक्रोस्कोप एंड कैन रिवील एनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट। इसका ड्रॉबैक यही है कि स्पेसिमेन आर किल्ड इन ऑर्डर टू व्यू द सेल्स और ऑर्गेनिजम्स। इमेज प्रोड्यूस्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स लैक कलर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स आर ऑलवेज शेड ऑफ द ब्लैक, ग्रे एंड वाइट। तो कलर्ड इमेज नहीं आती है, ध्यान रखना। देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग तो क्या करता है, स्कैन करेगा वो। मान लो ये मेरा सैंपल है, तो यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा, और ऐसे करके पूरा एक इमेज बना लेगा स्कैन करके। ट्रांसमिशन में क्या होगा, पूरा आएगा और आर पार चला जाएगा। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द स्पेसिमेन, जबकि SEM दैट आर रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द स्पेसिमेन एंड आर कलेक्टेड एंड सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन आर इमेज्ड। तो यहाँ देखो, ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपने इलेक्ट्रॉन की बीम दी, कंडेंसर लेंस हैं, स्पेसिमेन है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, क्योंकि स्कैन कर रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। दीज आर योर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है इनको कैप्चर किया जाता है, डिटेक्टर्स होते हैं बहुत सारे। अच्छा, ये ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक बॉक्स होता है नीचे, उस बॉक्स के अंदर आप सैंपल रखते हो, वहाँ बाहर बॉक्स के अंदर जो है, 3D में इमेजिन करो इसको, उसी के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर निकला हुआ है, उसी के अंदर एक्सरे डिटेक्टर निकला हुआ है, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोब्स होते हैं, सेंसिटिव होते हैं हर चीज़ के लिए, वो उसके अंदर होते हैं, वो हर चीज़, हर डेटा को एनालाइज करते हैं और कंप्यूटर पर जनरेट करते हैं, ठीक है। और ऊपर ये कवर्ड होता है ऐसे। तो आपने अगर कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा हो लाइफ में, तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा होता है ऐसे, क्योंकि वो जो जगह होती है उसमें वो इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो रिलीज़ होती है, जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, इस मशीन में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? द इक्विवेलेंट ऑफ द लाइट सोर्स इन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज द इलेक्ट्रॉन गन। व्हेन ए हाई वोल्टेज ऑफ बिटवीन 40,000 एंड 1 लाख वोल्ट, बहुत ज़्यादा वोल्ट होते हैं, इंसान का कुछ नहीं बचता है। दी एक्सकलेटिंग वोल्टेज इज पास्ड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड ए टंगस्टन फिलामेंट विच एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो एक टंगस्टन फिलामेंट के अंदर, जिसका कैथोड एनोड होता है, वहाँ से अपन जो है हाई वोल्टेज की लाइट को पास करते हैं, उसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। दी हायर द एटॉमिक नंबर द ग्रेटर द स्कैटरिंग एंड द कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे जैसे टंगस्टन लिया है, इसका बहुत हैवी नंबर होता है एटॉमिक नंबर, तो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ईजी टू इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। याद है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला प्रिंसिपल? तो आप जैसे जैसे हैवी मेटल्स की नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस से एफिनिटी कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ईजीली निकल सकता है।
यस हाँ, शेल बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा, इसलिए अपन हायर एटॉमिक नंबर के जो है मॉलिक्यूल्स लेते हैं। दस हैवी मेटल आर यूज टू ऐड कॉन्ट्रास्ट इनियम, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम, लेड, ऑस्मियम। लेबल्ड स्ट्रक्चर्स अपीयर ब्लैक और इलेक्ट्रॉन डेंस इन द इमेज। ऑल द वाटर हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन बिफोर इट कैन बी इमेजिन इन द ईएम। ये मैंने बताया था आपको। दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन बीम कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड एंड फोकस्ड इन अ वैक्यूम। ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये जो पूरा डब्बा बनता है इसमें वैक्यूम होता है, ये एक वैक्यूम कंडीशन होती है, और वैक्यूम कंडीशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चलाना है तो। आप सिर्फ यहाँ पे सैंपल डालते हैं और फिर कंप्यूटर में देखते हैं, इतना ही होता है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दोनों के जब अपन सैंपल प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एक्सटेंसिव स्पेसिमेन प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर ईएम एनालिसिस, एंड फॉर दिस रीजन देर कैन बी इश्यूज ऑफ इंटरप्रेटिंग द इमेज बिकॉज ऑफ आर्टिफैक्ट और सैम्पल प्रिपरेशन। तो आप कोई भी गलती करोगे तो इश्यूज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिमेन हैविंग ट्रेडिशनली प्रिपेयर्ड फॉर द TEM बाय फिक्सेशन। तो ध्यान देना, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिक्सेशन, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, और एक होता है स्टेनिंग। तो स्टेनिंग अपन करते हैं मोस्टली अलाइट माइक्रोस्कोप में, फिक्सेशन भी करते हैं अपन, हीट फिक्सेशन करते हैं, एंड हीट फिक्सेशन अपन मोस्टली करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में। बट TEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं उनमें फिक्सेशन का अलग मेथड होता है। आपने सुना होगा कि जैसे कोई डेड बॉडी होती है वो रॉट नहीं हो जाए, उससे बदबू नहीं आने लग जाए, तो जो पोस्टमार्टम वाली जगह होती है वहाँ पे काफ़ी सारी डेड बॉडीज़ होती हैं, वहाँ पे वो ग्लूटराल्डिहाइड को उनके ऊपर छिड़क के रखते हैं वो, जिससे कि टिश्यूज़ जो हैं वो डिग्रेड नहीं हो जाए, वो सैंपल जो है प्रिजर्व रहे जब तक अपन उसकी ऑटोप्सी नहीं करेंगे तब तक। यस DPX माउंटिंग भी करते हैं, यस मनुष्य। तो यहाँ पे भी अपन जो है उसको पहले फिक्स करते हैं। फिक्स मतलब उसको आपको ऐसी मतलब ऐसा करना है, उसको मार मूर के ऐसा बनाना है कि वो हिले नहीं वहाँ से, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ेगी अगर वो हिल गया तो आपकी इमेज ख़राब आ सकती है। तो फिक्सेशन अपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूटराल्डिहाइड टू क्रॉस लिंक द प्रोटीन्स फॉलोड बाय ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड टू फिक्स द लिपिड मेम्ब्रेन। तो क्योंकि कोई भी सैंपल जो डालेंगे उसमें डेफिनेटली सेल होगा, उसके अंदर मेम्ब्रेन होगी या उसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी, तो ग्लूटराल्डिहाइड से तो प्रोटीन्स क्रॉस लिंक हो जाएंगे, फिर वो मूव नहीं कर पाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। फिर अपन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जब डालेंगे तो उससे लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो फिक्स हो जाएंगे, लिपिड मेम्ब्रेन हिल नहीं पाएंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं। दिस इज़ फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन इन अ सीरीज ऑफ एल्कोहल टू रिमूव द वाटर। वाटर भी नहीं चाहिए अपन को डेफिनेटली, तो वाटर को अपन डिहाइड्रेशन की हेल्प से निकालेंगे, एंड देन एम्बेडेड इन अ प्लास्टिक सच एज ईपॉन फॉर थिन सेक्शनिंग। फिर अपन उनको क्या करते हैं, पानी भी निकाल दिया, फिक्स भी कर दिया, अब उनको अपन एक प्लास्टिक के ऊपर इम्बेड कर देते हैं। इम्बेड कर देते हैं मतलब उनके अंदर छुपा देते हैं उनको। छुपाने के बाद, छुपाने का मकसद क्या है, जिससे कि अपन उसके उसको काट सकें, क्योंकि बहुत थिन स्लाइस होगी तभी आपकी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके अंदर से आर पार हो सकती है। बहुत थिन स्लाइस चाहिए आपको। स्मॉल पीसेज ऑफ एम्बेडेड टिश्यू आर माउंटेड एंड सेक्शनड ऑन एन अल्ट्रा माइक्रोटोम यूजिंग आइदर अ ग्लास और डायमंड नाइफ। तो डायमंड नाइफ या फिर ग्लास नाइफ, दो चीज़ें होती हैं, उनकी हेल्प से अपन उस प्लास्टिक पे लगे हुए अपने सैंपल को कट करते हैं। बहुत थिन पीस में अपन को उसको निकालना होता है। अल्ट्रा थिन सेक्शंस आर कट टू अ थिकनेस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 नैनोमीटर। बहुत छोटा होता है, 60 नैनोमीटर की थिकनेस अपन को चाहिए। द रिबन्स ऑफ द सेक्शंस आर फ्लोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड देयर इंटरफेरेंस कलर्स आर यूज टू एक्सेस देयर थिकनेस। ये आगे का प्रोसेस है। द डिजायर 60 नैनोमीटर सेक्शन थिकनेस हैज़ अ सिल्वर और गोल्ड इंटरफेरेंस कलर ऑन द वाटर सर्फेस। तो इतनी छोटी होती है वो कि पानी के ऊपर आपके से लगेगा गोल्ड पड़ा है, सिल्वर पड़ा है, बट ऐसा नहीं होता है। दीज सेक्शंस आर देन माउंटेड ऑन कॉपर और गोल्ड EM ग्रिड्स। तो आपको याद होगा पहले डायग्राम में भी आपने देखा होगा कि सैंपल जो होता है वो ग्रिड्स पे रखा जाता है, और ये ग्रिड जो होती है प्योर गोल्ड की होती है। तो अगर आप कभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चुराने जाओ तो उसमें से EM ग्रिड लेके आना, वो सबसे महंगी होती है, ओके, चुराना मत कभी। एंड आर सब्सिक्वेंटली स्टेन्ड विद हैवी मेटल्स फॉर एग्जाम्पल यूरेनिल एसीटेट और लेड सिट्रेट। तो आप उसकी स्टेनिंग भी आप हैवी मेटल से करते हो, आप उसकी कटिंग भी डायमंड वगैरह से करते हो, आप उसके अंदर केमिकल्स डालते हो फिक्स करने के लिए, आप उसके अंदर से पानी रिमूव करने के लिए भी एजेंट्स डालते हो,
देन आप उसको नाइफ से कट करते हो 60 नैनोमीटर की लेंथ से, फिर अगेन आप उनके उनको स्प्रे करते हो, उनके मतलब उनको गोल्ड या कॉपर के ईएम ग्रिड के ऊपर लगाते हो, एंड देन फिर उसको स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हो, फिर जाके वो ट्रांसमिट करता है लाइट को। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और अगर TEM और स्कैनिंग की मैं बात करूं तो TEM का रिजोल्यूशन जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत महंगा आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत महंगा होता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात मैं करता हूँ। फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सैम्पल्स आर फिक्स्ड इन ग्लूटराल्डिहाइड, सिंपल है, डिहाइड्रेटेड थ्रू ए सॉल्वेंट एंड ड्राइड कम्प्लीटली इन एयर बाय क्रिटिकल पॉइंट रेंज। तो हवा में आप उसको सुखा सकते हो। दिस मेथड रिमूव्स ऑल द वाटर फ्रॉम द स्पेसिमेन इंस्टेंटली एंड अवॉइड एनी सर्फेस टेंशन इन ड्राइंग प्रोसेस, thereby avoiding artifact of drying. The specimen are then mounted on a special metal holder or stub and coated with a thin layer of gold before viewing in the SEM. तो गोल्ड पार्टिकल्स चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं तो गोल्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं और उन्हीं को अपन देख सकते हैं। सर्फेसिस कैन ऑल्सो बी व्यूड इन द TEM यूजिंग आई द नेगेटिव स्टेन और कार्बन रेप्लिकाज ऑफ एयर ड्राइड स्पेसिमेंस। तो ये जरूरी नहीं, आपके ध्यान रखना SEM और TEM में TEM की रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू SEM। और स्कैनिंग और ट्रांसमिशन में दोनों का आपको पता ही लग गया, स्कैनिंग में वो स्कैन करता है जबकि TEM में वो ट्रांसमिट कर देता है, आर पार कर देता है। तो जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं उनकी रिजोल्यूशन होती है 10 नैनोमीटर कह रहा हूँ, जबकि TEM की जो रिजोल्यूशन होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती है 0.2 नैनोमीटर कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन होती है। और दूसरी चीज़, TEM जो होते हैं उनसे अपन को 2D इमेज मिलती है, क्योंकि ट्रांसमिट होती है इमेज इसलिए 2D मिलती है। इसमें क्या होता है, स्कैन होता है, तो स्कैन करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स जो है आप उसको प्लॉट कर सकते हो, पूरे चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो आप उसका एक 3D रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे 3D इमेजेस बनती है। तो ये डिफरेंस है आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दोनों प्रोसेस, दोनों डिफरेंसेस में। ये क्लियर है गाइस? यस, ओके। अब अपन लास्ट टेक्निक पे आते हैं जिसका नाम है फ्रीज फ्रैक्चर या फिर फ्रीज एक मेथड्स। ये लास्ट टॉपिक है माइक्रोस्कोप का, इसके साथ माइक्रोस्कोप भी ख़त्म है। तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक होती है, एंड फ्रीज फ्रैक्चर का मतलब है आपने पहले उसको फ्रीज कर दिया, फिर उसके हाथ पैर तोड़ दिए, फ्रैक्चर कर दिया, तो वो होता है फ्रीज फ्रैक्चर। इट डिस्क्राइब्स द टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग अ फ्रोजन स्पेसिमेन टू रिवील द इंटरनल स्ट्रक्चर। और खासकर अपन सेल मेम्ब्रेन का करते हैं। क्यों सेल मेम्ब्रेन का करते हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपको पता है लिपिड बायलेयर से बनी होती है, बीच में कहीं एम्बेडेड होते हैं प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो जब आप इसको फ्रीज कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा। अब आप इसको जब कट करोगे यहाँ बीच में से, तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कट नहीं होगा, ये ऊपर वाला पोर्शन कट होगा, तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? यूं मिलेगा, ये प्रोटीन होगा एंड देन यूं मिलेगा। अब आप इसको स्कैन कर सकते हो। जबकि फ्रीज एचिंग क्या होता है? एचिंग इज द सबलिमेशन ऑफ सर्फेस आइस। मतलब जब आप कट करते हो उसको, क्योंकि अपन बहुत ठंडी जगह पे कर रहे हैं, ठंडी जगह मतलब क्रायो प्रिजर्व करके, -195 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन इज योर क्रायो प्रिजर्वेशन। वहाँ पे जब अपन उसको कटिंग वटिंग करते हैं तब आइस जमा हो जाती है उसके ऊपर, जब आप कट करते हो यहाँ पे आइस डिपॉजिट हो जाती है। उस आइस, आइस क्या होती है? सॉलिड होती है। सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली इनटू अ गैस फॉर्म इज नोन एज सबलिमेशन। सॉलिड डायरेक्टली गैस में, जैसे आपने कपूर की गोलियाँ देखी होंगी आपने, आप कपड़ों में डाल देते हैं एंड देन थोड़े दिनों बाद में गायब हो जाती है, ये स्नैपथिलीन, यस। तो वो होता है क्या, सॉलिड से गैस में चली गई है वो, देर इज़ नो लिक्विड स्टेट इन बिटवीन, दैट इज सबलिमेशन। तो यहाँ पे भी इस बर्फ़ को उड़ाना है अपन को, तो दैट इज सबलिमेशन। इट इज़ द सबलिमेशन ऑफ सर्फेस आइस अंडर द वैक्यूम टू रिवील डिटेल ऑफ द फ्रैक्चर्ड स्पेस दैट आर वेर ओरिजिनली हिडन। ए मेटल और कार्बन मिक्स इनेबल्स द सैंपल टू बी इमेजिन इन द SEM और TEM। तो ऑब्वियसली अपन को यहाँ पे मेटल स्प्रे करना पड़ेगा अगर आपको इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है तो, क्योंकि वहीं से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इट इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन्स, लेयर्स एंड इमल्शंस। द टेक्निक ऑफ फ्रीज फ्रैक्चर गिव्स एन एन फेस व्यूज ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, अलाउिंग स्टडी ऑफ इन प्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल प्रोटीन्स एंड स्पिनिंग द लिपिड बायलेयर और अदर मेम्ब्रेन फीचर्स। परफॉर्म्ड विद स्पेशलाइज्ड हाई वैक्यूम फ्रीज फ्रैक्चर अपैरेटस विद अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड लिक्विड नाइट्रोजन कूल्ड होल्डर फॉर द स्पेसिमेन। तो यहाँ पे वैक्यूम बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ वैक्यूम में होगी। तो आप यहाँ देखो, ये आपका स्पेसिमेन है, इसको सपोर्ट पे लगा दिया आपने, ये सपोर्ट अगेन गोल्ड वगैरह का होता है, गोल्ड कॉपर का होता है,
एंड आपने इसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया है। लिक्विड नाइट्रोजन में डालने के बाद में आपने इसको फ्रीज़ कर दिया है, फ्रीज़ हो गया ये। फिर आप इसको एक बेल जार में बंद कर दोगे, यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम होगा। अब वैक्यूम से बाहर नहीं निकाल सकते आप, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर भी वैक्यूम क्रिएट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कोल्ड नाइफ है, बहुत ज़्यादा ठंडा नाइफ, ये खुद नाइफ -190 डिग्री पे होता है, ठंडा नाइफ है, वो स्पेसिमेन को कट करेगा। तो कट कैसे करेगा, ये देखो आप, ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसको कट किया इसने, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। अब क्योंकि अपन ठंडे एनवायरनमेंट में हैं, यहाँ पे आइस जमा हो जाएगी, आपको उसकी एचिंग करनी है। एचिंग से क्या होगा, वो सब्लिमेट हो जाएगी। सब्लिमेट होने के बाद में आप उसके ऊपर थ्रो करोगे कुछ मेटल्स वगैरह, जैसे यहाँ पे अपन ने देखा था कि इट इज़ स्प्रेड विद अ कहाँ गया मेटल और कार्बन मिक्सचर, ओके। एंड देन ये जो कार्बन लेयर है इसको अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो ये आपका स्फेरिकल पार्टिकल है, ये आपकी आईज है आसपास, आपने ग्लास नाइफ से कट किया, कट करने के बाद में आपने उसके ऊपर ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम का स्प्रे कर दिया, डिपॉजिट ऑफ प्लेटिनम एट एन एंगल ऑफ 45। ध्यान देना, यहाँ डिपॉजिट हुई है और यहाँ डिपॉजिट हुई है, इस जगह पे डिपॉजिट नहीं हुई है। अब आपने क्या किया, 90 डिग्री पे कार्बन को डिपॉजिट कर दिया, तो आपकी कार्बन डिपॉजिट हो गई। अब आपने इसको रिमूव कर दिया, आपका जो भी इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है, अब क्योंकि आपको तो स्ट्रक्चर चाहिए कैसा दिखता है वो, तो स्ट्रक्चर चाहिए तो यहाँ आ चुका है। अब आप इसको TEM के अंदर डाल के स्ट्रक्चर निकाल सकते हो, कलेक्शन ऑफ रेप्लिका इनटू द TEM एंड योर स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड। तो ये होता है आपका फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज इचिंग मेथड, समझ आया है सभी को। ओके, तो ये था आपका माइक्रोस्कोप, और आज आपको कोई डाउट है नहीं, सो आई विल साइन ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो एट सेम टाइम, टिल देन गुड नाइट, टेक केयर।